तो नमस्कार बच्चों, सबसे पहले तो मैं वेलकम करता हूं आपके अपने इस प्यारे से चैनल प्रैक्टिस मास्टर पे, जहां पे मैंने आपको बताया था कि मैं एसिड बेस एंड सॉल्ट का एमसीक्यू कंटेंट लेकर के आया हूं। टॉपिक वन जिसमें मैंने एसिड एंड बेस डिस्कस किया था और उस पे बेस्ड 20 एमसीक्यूज डिस्कस किए थे, जिससे वो कॉन्टेंट आपका क्लियर हो गया था। आज मैं टॉपिक टू लेकर के आया हूं। जैसा कि मैंने बताया था, हाई स्कूल बोर्ड्स में इंडिकेटर से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, और इंडिकेटर में ना मेरे भाई इसके बाहर कुछ नहीं है, चाहे तुम चेक कर लेना एनसीईआरटी में, ठीक है? तो इंडिकेटर पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा, कम समय में पूरा इंडिकेटर एक्सप्लेन होगा, ध्यान से देखते रहना। क्या होता है इंडिकेटर? कहते हैं सर ये एक प्रकार की डाई है, ठीक है? डाई का मतलब जानते हो ना, पेस्ट, किसी भी चीज का पेस्ट, वो डाई हो गया। तो इट इज अ डाई, ठीक है? क्या करती है ये? विच डिटरमाइंस वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिड और बेस। ये डाई डिटरमाइन करती है कि दिया गया सब्सटेंस जो है वो एसिड है या बेस है। कैसे? जब इस डाई के अंदर एसिड जाता है तो डाई का कलर बदल जाता है। अब जो कलर होता है वो हम देखकर बता देते हैं कि ये एसिड था या बेस था, ठीक है? तो डाई मतलब पेस्ट, जो बताए कि दिया गया सब्सटेंस एसिड है या बेस। अब ये देखो, तीन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं जो तुमको जरूर पढ़ने चाहिए। पहला उनमें से लिटमस पेपर है, दूसरा फेनोलेथिलीन है, तीसरा मिथाइल ऑरेंज है। टिक करना, तुम्हें नया क्या पता चला? लिटमस पेपर जो है वो क्या है? सबसे पहली बात तो ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। नेचुरल इंडिकेटर मतलब ये नेचर से ऑब्टेन्ड हुआ है, लैब में नहीं बनाया गया। दूसरी बात, इसका खुद का ओरिजिनल कलर पर्पल होता है। लिटमस पेपर का खुद का ओरिजिनल कलर क्या होता है? पर्पल होता है। एक्चुअली लिटमस सॉल्यूशन का खुद का कलर क्या होता है? पर्पल होता है। चलो मैं बताता हूं। एक पेपर की स्ट्रिप लेते हैं, उसके ऊपर एक प्रकार की डाई लगाते हैं, यानी एक प्रकार का सॉल्यूशन लगाते हैं, ठीक है? सॉल्यूशन कह लो या डाई, एक प्रकार की डाई लगाते हैं, एक प्रकार का सॉल्यूशन लगाते हैं, उस सॉल्यूशन या डाई का कलर पर्पल होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो सॉल्यूशन है ना, वो जो डाई है ना, वो बनाई गई है लिचेन नाम के एक पौधे से। वो लिचेन नाम का जो पौधा होता है वो लिटमस सॉल्यूशन का सोर्स है, मतलब वहीं से लिचेन लिया, लिचेन तोड़ा, लिचेन की डाई बनाई, निचोड़ा उसको, उसकी डाई बनी। डाई को हमने एक पेपर की स्ट्रिप पे लगाया, उसको सुखाने के लिए छोड़ दिया, वो डाई जो है ना वो ही आपका लिटमस सॉल्यूशन कहलाता है। लिचेन जो है, इसके बारे में एक बेसिक बात है कि ये थैलोफाइटा डिवीजन से बिलोंग करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हाँ एनसीईआरटी में लिखा है तो कवर किया है। अब बात आ जाती है कि सर इसका इफेक्ट क्या है, एसिड पर क्या इफेक्ट है और बेस पे क्या इफेक्ट है, बहुत ध्यान से सुनना। देखो लिटमस जो है ना वो एसिड पे क्या इफेक्ट देता है, बेस पे। तुम्हें याद नहीं करना पड़ेगा, तुम मेरी बातें सुनते रहना, ठीक है? ये बता दो कि एसिड डेंजर होता है कि बेस डेंजर होता है? भाई अगर एसिड डेंजर होता नहीं, अगर एसिड ना डेंजर होता तो तुम एसिड से नहीं नहाते, लेकिन तुम जानते हो ना कि एसिड डेंजर होता है। डेंजर का कलर क्या होता है? रेड होता है। तो इसी प्रकार से यहां पे लिटमस पेपर जो होता है वो एसिड पे कौन सा कलर शो करता है? रेड। तो फिर बचा कौन सा? ब्लू। ब्लू कलर वो बेस पे शो करता है। ऐसे याद कर लेना लिटमस वाला, बाकी सारे में टेंशन मत लो, याद करा दूंगा। इसके अलावा कुछ अदर नेचुरल इंडिकेटर्स बचते हैं, सम अदर नेचुरल इंडिकेटर्स, वो कौन से? जैसे कि उनमें से एक टर्मरिक है, ठीक है? अच्छा, टर्मरिक का खुद का नेचर क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, टर्मरिक का खुद का नेचर ही एसिडिक है, ठीक है? इसके अलावा रेड कैबेज जूस है, और ये तीन फर्जीवाड़े वाले थे, ठीक है? तुम्हारे नेचुरल इंडिकेटर हाइड्रेंगिया, पिट्यूनिया, गेरेनियम, ये सब भी एनसीईआरटी में लिखे थे, इसलिए मैंने कवर कर दिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये तीनों नहीं है, ठीक? अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है? अब टर्मरिक की बात कर ले, टर्मरिक एसिडिक है। अब देखो मैं तुमको कैसे याद करवाता हूं, एक बात बताओ, एसिड पे अगर एसिड डालोगे तो कोई फर्क आएगा? नहीं आएगा ना। एसिड पे जब बेस डालोगे तभी तो फर्क आएगा। तो जब टर्मरिक पे एसिड पे चेक किया जाए, जब टर्मरिक पे एसिड डाला गया तो टर्मरिक पे कोई फर्क आया ही नहीं, वो येलो का येलो ही रहा, ठीक है? लेकिन टर्मरिक पे जब बेस डाला गया, क्या डाला गया? बेस। तो अब टर्मरिक ठहरा एसिड, अब उस पे बेस डालोगे तो भाई कलर चेंज होगा। अब होता क्या है, ये जो टर्मरिक है इसका एक्चुअल कलर येलो होता है, लेकिन बेस डालने पे ये हो जाता है रेडिश ब्राउन। कैसा हो जाता है? रेडिश ब्राउन हो जाता है। बात इतनी क्लियर है? ये करके तुम देख लो, एक काम करो, एक कपड़े पे मम्मी से हल्दी मांगो, उसको हल्दी को रगड़ो, और उसके बाद उस पे जाओ और साबुन गीला करके साबुन रगड़ दो, तुमको खुद दिख जाएगा वो जो हल्दी येलो थी अब वो रेडिश ब्राउन हो जाएगी। आगे बढ़ जाते हैं, ये तरीका बहुत अच्छा होता है। जो एसिड है उस पे एसिड डालोगे तो कोई चेंज आएगा क्या? टर्मरिक एसिड है उस पे एसिड डालोगे तो कोई चेंज आएगा क्या? नहीं आएगा, वो येलो का येलो रहेगा। बेस डालोगे तो रेडिश ब्राउन हो जाएगा। अब समझना, रेड कैबेज जूस की बात कर लेते हैं। रेड कैबेज जूस जो है ना उसका क्या हिसाब किताब रहता है, समझना ध्यान से। एसिड डालोगे तो ये रेड और पिंक दिखाता है, क्या दिखाता है? रेड और पिंक। तो बेस डालने पे ना इसका जो लाल कलर है वो उड़ जाता है और ये ग्रीन दिखने लगता है।
कहीं कहीं पे ऐसा देखा गया है कि रेड कैबेज जूस में जब बेस डाला गया तो इसका कलर येलो हो गया। तो ये रेड और येलो दो कलर शो करता है। इतनी बात तुमको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिनोलेफ्थलीन, फिनोलेफ्थलीन के बारे में तुम क्या जानते हो? फिनोलेफ्थलीन जो है उसका बेसिक फॉर्मूला होता है HPH। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? फिनोलेफ्थलीन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? HP और सफिक्स में स्मॉल H। तो ये क्या है तुम्हारा पहली बात, इसका नेचर क्या है सर? ये एसिडिक है कि बेसिक है? तो भैया तुम बताओ, ये जब टूटेगा तो H+ बनेगा और pH- बनेगा। H+ जो भी रिलीज करता है वो एसिडिक ही तो होता है। तो आपका जो फिनोलेफ्थलीन है उसका नेचर ये है कि वो वीक एसिड है। वो क्या है? वीक एसिड है। कैसे पता चलता है? रटना पड़ेगा। नहीं सर रटेंगे क्यों? HPH में दिख रहा है H+ निकल रहा है और यहां पे H+ लगा है स्टार्टिंग में, तो हम तो ऐसे ही जान जाएंगे कि ये जो HPH है ये क्या है? एसिडिक है। और कैसा एसिड है? ये वीक एसिड है। अब होता क्या है, इसका ओरिजिनल कलर जान लेते हैं। तो फिनोलेफ्थलीन का ओरिजिनल कलर, भाई साहब इसका कोई कलर नहीं होता, इट इज कलरलेस। ये क्या होता है? कलरलेस होता है। अब ये एसिड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और बेस पे क्या इफेक्ट देगा, अब तुम खुद डिसाइड करो। फिनोलेफ्थलीन एसिड है ना, अब इस पे एसिड डालोगे तो कोई फर्क होगा क्या? होगा बताओ? नहीं होगा ना। ये कलरलेस का कलर ही लेस रहेगा, कलर लेस रहेगा। हाँ अब बेस डालोगे, अब तुम एसिड में बेस डाल लो तो अंतर आएगा। तो अंतर आएगा तो क्या अंतर आता है? यहाँ पे पिंक हो जाता है। किस कलर का हो जाता है? पिंक कलर का हो जाता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज एसिड है कि बेस? अब अधिकतम बच्चे आंसर दे देंगे कि सर OH लगा है तो बेशक बेस होगा। अब बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। मिथाइल ऑरेंज जो है MeOH, जब इसको आयनाइज करते हैं तो ये OH पॉजिटिव निकाल देता है और Me नेगेटिव निकाल देता है। ठीक है, माफ करना, OH नेगेटिव निकाल देता है और Me पॉजिटिव निकाल देता है। इस OH नेगेटिव को देख के आप साफ साफ बता सकते हो कि MeOH क्या है? हमारा सर जी ये बेस है। ठीक है, तो मिथाइल ऑरेंज क्या है? इट इज कंप्लीट प्योर प्योर बेस। बट कैसा बेस है? ये वीक बेस है। कैसा बेस है? वीक बेस है। तो इसका नेचर अगर कोई पूछे तो क्या बताओगे? इट इज अ वीक बेस। अब सर इसका ओरिजिनल कलर क्या है आप बताओ? इसके नाम में ऑरेंज है तो इसका ओरिजिनल कलर क्या होगा? ऑरेंज ही होगा। तो ऑरेंज, और कहीं कहीं किताब में येलो लिखा होता है तो येलो भी लिख लेना। ठीक है, अब सर ये बताइए कि बेस डालेंगे और एसिड डालेंगे तो उस पर क्या फर्क आएगा? एसिड डालेंगे, ए फॉर एसिड, एसिड डालेंगे तो क्या फर्क आएगा? और बी यहाँ पे जो है वो बेस के लिए, बेस डालेंगे तो क्या फर्क आएगा? सर अगर मैंने एसिड डाला तो ये तो खुद बेस है, बेस पे एसिड डालोगे तो फर्क आएगा। फर्क क्या आता है? पिंक हो जाता है। ये फिनोलेफ्थलीन वाला केस हो जाता है, पिंक हो जाता है। अब जब सर बेस डालेंगे मिथाइल ऑरेंज के ऊपर, मिथाइल ऑरेंज खुद बेस है, इस पे अगर बेस डालोगे तो कोई फर्क ही नहीं आएगा। ये ऑरेंज का ऑरेंज रहेगा या कह लो येलो का येलो रहेगा। इतनी बात क्लियर है? तो ये हो गया आपका इंडिकेटर इतना। अब आते हैं हम लोग ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर पे। नेक्स्ट, तो ठीक है भैया अब शुरू करते हैं ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर। ठीक है, अब समझना। तो इंडिकेटर में अगर बात कर ले ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर की, तो ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होते हैं? तो सर नॉर्मल इंडिकेटर क्या करते हैं? कलर चेंज करके बताते हैं एसिड है कि बेस। ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर क्या करता है? खुशबू दे करके बताता है कि एसिड है कि बेस। खुशबू मतलब ओडर। तो ये ओडर दे करके बताता है कि ये फला सब्सटेंस एसिड है कि बेस। ये सबसे ज्यादा फायदेमंद पता है किसके लिए होता है ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर? ये सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है विजुअली इंपेयर्ड लोगों के लिए। विजुअली इंपेयर्ड लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर। विजुअली इंपेयर्ड मतलब जो देख नहीं पाते हैं वो क्या करेंगे? सूंघ के बताएंगे कि ये एसिड है कि बेस। आपको क्या करना है? बस ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर लेना है, उसके ऊपर एसिड गिराना है, सूंघना है, और आपकी स्मेल जो आएगी वो बताएगी कि ये फला सब्सटेंस एसिड डाला गया था या बेस डाला गया था। चलो शुरुआत ऑनियन से करते हैं। तीन मेन ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर है, इसके अलावा तुम्हें पढ़ना नहीं है। ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर इफेक्ट एसिड पे क्या रहेगा, बेस पे क्या रहेगा, याद करना नहीं हमको। हमको तो ट्रिक लगानी है और तरीका लगाना है और उस ढंग से तैयार करना है, समझना। ये जितने भी ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर होते हैं सबके सब एसिडिक इन नेचर होते हैं। ऑनियन है, अब ये भी एसिडिक इन नेचर है, क्लोव ऑयल एसिडिक इन नेचर है, वनीला एसेंस एसिडिक इन नेचर है। एसिड कैसे पहचानते हो? जो चीज सूंघने में तीखापन लगे, ठीक है, वो एसिड होता है। जो चीज सूंघने में तीखापन ना लगे वो बेस होता है। आप सोप को सूंघो तीखापन लगता है क्या? नहीं। जबकि आप विनेगर को सूंघो तो तीखापन लगता है? बिल्कुल लगता है ना। तो ऑनियन इसी प्रकार से जब हम लोग काट रहे होते हैं आंखों में आंसू क्यों आते हैं? तीखापन लगता है। तो ऑनियन जो है उसमें भी एसिड होता है। हाँ, एक प्रकार का एसिड होता है, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। ये पाया जाता है ऑनियन के अंदर। अब बताना जरा, एसिड पे तुम एसिड डाल रहे हो, मतलब ऑनियन पे एसिड डाल रहे हो, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। स्मेल रिटेन्स, स्मेल वैसी की वैसी बनी रहेगी। ठीक है, अब ये बताना ऑनियन पे तुम बेस डाल लो। अब जब ऑनियन पे बेस डालोगे, ऑनियन है एसिडिक, उस पे बेस डालोगे, तब तो ऑर्डर चेंज होगा। और ऑर्डर यहाँ पे क्या हो जाता है भैया?
तो जो ऑर्डर है मतलब यहाँ पे ऐसा होता है कि स्मेल इसकी चली जाती है, स्मेल गोज आउट। ऐसा क्यों होता है? ऑनियन एसिड था, एसिड डालोगे स्मेल बरकरार रहेगी, भले तेज हो जाए थोड़ी सी हो सकता है। ऑनियन पे बेस डालोगे तो स्मेल चली जाएगी क्योंकि ऑनियन का एसिड बेस जो है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। क्लोव ऑयल की बात कर लेते हैं, सेम काम होगा, क्लोव ऑयल भी एसिड है, एसिड होगा तो स्मेल रिटेन्स, एसिड होगा तो स्मेल रिटेन्स, और बेस होगा तो स्मेल गोज आउट। ठीक है, एसिड होगा तो स्मेल रिटेन्स, बेस होगा तो स्मेल गोज आउट। यहाँ पे बताओ एसिड होगा स्मेल रिटेन्स, बेस होगा स्मेल गोज आउट। ठीक है, बेस होगा स्मेल गोज आउट। देखा कितनी अच्छी तरीके से तैयार हो गया ऑलफैक्टरी इंडिकेटर। अब भूलने का सवाल ही नहीं उठता, ये सबके सब एसिड है, एसिड डालोगे स्मेल रिटेन, बेस डालोगे स्मेल गोज आउट, डन। अच्छा हाँ, अब हम लोग आते हैं पीएच इंडिकेटर पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ने जा रहे हैं, पीएच स्केल। तो ध्यान से देखिएगा पीएच स्केल क्या होती है, बहुत आराम से समझ में आने वाला है। पीएच स्केल देखो, पीएच स्केल क्या है, एक्चुअली में एक पेपर की स्ट्रिप है और उस पेपर की स्ट्रिप के ऊपर 0 से 14 तक नंबर लिखे होते हैं, जो अलग अलग नंबर्स ये बताते हैं कि दिया गया सब्सटेंस जो है वो कितना ज्यादा एसिडिक है या कितना ज्यादा बेसिक है। ठीक, तो पीएच क्या है, इट इज अ मेजर ऑफ हाउ एसिडिक और बेसिक वाटर इज। अब इसका क्या मतलब है, देखो पीएच स्केल से अगर आपको चेक करना है कि फला सब्सटेंस एसिड है, बेस है कि सॉल्ट है, क्या है, तो वो आपको चेक करने के लिए एसिड बेस या सॉल्ट जो भी है उसको पानी में डालना पड़ेगा। वो जब पानी में पड़ जाएगा तो पानी में उसको चलाने के बाद अब आप लेना अपनी ये पेपर स्ट्रिप जिसको आप पीएच स्केल कह रहे हो और उसको आप पानी के अंदर डिप करना। पानी में अगर एसिड डालोगे तो बेशक एसिड अपना असर दिखाएगा और पानी को एसिडिक कर देगा, पानी में अगर बेस डालोगे तो बेशक पानी बेसिक हो जाएगा। और आपको पता है सॉल्ट के सॉल्यूशन भी एसिडिक और बेसिक होते हैं, यानी कि अगर आप सॉल्ट डाल रहे हो ना पानी में तो भी पानी की पीएच वैल्यू बदलेगी, वो पानी की पीएच वैल्यू जो बदलेगी वो बताएगी कि पानी एसिडिक हो गया या बेसिक हो गया। ठीक है भैया, अब आगे देखो, तो अगर हम बात करें एक और डेफिनेशन भी इसके डिफाइन कर सकते हैं, क्या स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल। कहा गया है कि पीएच स्केल को आप ये भी कह सकते हो कि एक ऐसी स्केल है जो हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन मेजर करती है। अब समझो भैया, एसिड की पहचान कैसे होती है, सर जब पानी में डाला जाता है तो एसिड अपना H+ रिलीज करता है, इसी से पहचान होती है। तो एसिड कितना H+ रिलीज करेगा, तो H+ आयन का कंसेंट्रेशन क्या होगा, कंसेंट्रेशन को ऐसे लिखा जाता है, H+ लिखो और स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दो, तो H+ आयन का कंसेंट्रेशन कितना होगा उस बेसिस पर पता चलता है कि एसिड कितना स्ट्रांग होगा। ठीक है इतना। अब समझो, अगर कभी पूछा जाए कि ये जो कंसेंट्रेशन होता है जिसको आप बोलते हो अमाउंट ऑफ H+ यानी कंसेंट्रेशन ऑफ H+, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, कंसेंट्रेशन नापा किस यूनिट में जाता है, तो बच्चों ये नापा जाता है मोल पर लीटर में, किसमें नापा जाता है, मोल पर लीटर में नापा जाता है। आगे बढ़ जाते हैं, देखो ये पीएच स्केल है, जैसा कि आपने अभी जाना कि ये हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन मेजर करती है, कब, जब आप एसिड को पानी में डालते हो तब। तो समझिएगा, जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन रहता है उतना ही कम रहती है पीएच की वैल्यू। ठीक है, इतनी बात को ध्यान रखिएगा, जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन रहता है उतनी ही कम रहती है पीएच की वैल्यू। तो पीएच की वैल्यू जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन के। एक बात और, कई बच्चे परेशान होते हैं पीएच का मतलब क्या सर, तो बच्चों पीएच का मतलब बेसिकली है पावर ऑफ एच प्लस आयन, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ एच प्लस आयन। ये पावर शब्द जो है इसको जर्मनी जर्मन की लैंग्वेज में पोटेंस बुलाते हैं, पोटेंस। ठीक है, तो इस पोटेंस, P for potence, and potence का मतलब होता है power, so it is power of H plus ion. अब समझिएगा pH से जुड़े हुए questions कैसे कैसे आ सकते हैं। उससे भी पहले बता दूं, आखिर ये pH scale बनाई कैसे गई होगी? देखो मैं बताता हूं, एक पेपर की स्ट्रिप ली जाती है, उस पेपर के ऊपर एक स्पेशल टाइप का एसिड बेस इंडिकेटर लगाया जाता है। वो जो स्पेशल टाइप का एसिड बेस इंडिकेटर होता है उसे हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर बुलाते हैं। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर एक्चुअली में दो चार पांच छह मतलब कई इंडिकेटर्स का एक मिक्सचर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा स्पेशल टाइप का इंडिकेटर बन जाता है जब इसमें दो चार इंडिकेटर मिलाए जाते हैं, विच गिव्स डिफरेंट कलर फॉर डिफरेंट कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन। जो ये क्या करता है, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐसा होता है कि ये डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखाता है अलग अलग प्रकार से कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन को लेकर के। जैसे कि कोई एसिड बहुत स्ट्रांग है उसके लिए अलग कलर दिखाएगा,
कोई एसेट जो है कम स्ट्रॉन्ग है उसके लिए अलग कलर दिखाएगा, कोई एसेट बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है उसके लिए अलग कलर दिखाएगा, कोई एसेट बहुत वीक है उसके लिए अलग कलर दिखाएगा। ये करता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन को देखता है, उस हिसाब से जज करता है, एसिड स्ट्रॉन्ग है तो वैसा कलर, एसिड वीक है तो वैसा कलर। उस यूनिवर्सल इंडिकेटर को हमने एक पन्ने पे लगाया और तैयार करिए पीए स्केल 0 से 14 तक की। अब देखना समझना मेरी बात को, एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतनी पीएच वैल्यू कम। अच्छा, H+ आयन ज्यादा है इसका मतलब एसिडिक ज्यादा है। अब पीएच वैल्यू कम, अब कम समझो, कम पीएच वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी, और जीरो पे H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, और फिर जैसे जैसे पीएच वैल्यू बढ़ती है बढ़ती H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन घटना शुरू हो जाता है। पीएच वैल्यू बढ़ती 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 H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन घटना शुरू हो जाता है, और इस तरह से जो है H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन चलने लगता है और ऐसी कुछ स्केल बन जाती है जैसा कि आपने बनी हुई देखा होगा। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, इसमें यहाँ पे H+ आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो यहाँ पे दिखाया जाता है। ठीक है, कि पीएच की वैल्यू कितनी कम थी पर H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम था, पीएच की वैल्यू बढ़ी H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन गिर गया, पीएच की वैल्यू और बढ़ी H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन और गिर गया, पीएच की वैल्यू 5 हुई H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ है, पीएच की वैल्यू 6 हुई H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ है। इस तरह से पीएच की वैल्यू बढ़ने के साथ H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन गिरता गया। अब समझिए, जब H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन गिरता है तो कहा जाता है कि भैया वो एसिड था, अब उसमें H+ आयन गिर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो एसिड वीक होता चला जा रहा है, वीक होता चला जा रहा है, वीक होता चला जा रहा है। 7 पे जब बात आएगी तो वहां पे फिर बात होगी कि वो भैया उस समय वो न्यूट्रल हो गया, प्योर वाटर हो गया, वो ना एसिड है ना बेस है, वो प्योर वाटर है। और अगर प्योर वाटर से भी नीचे H की वैल्यू गिरेगी तो वाटर आपका धीरे धीरे बेस में कन्वर्ट होने लगेगा। बेस में कन्वर्ट होने का मतलब समझते ना, OH- आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करने लगेगी। इसकी वैल्यू क्या करने लगेगी, इंक्रीज करने लगेगी। H+ की घटती 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 जाती है, 7 पे जाकर के बिल्कुल H+ खत्म, फिर उसके बाद OH- इंक्रीज होने लगा। तो इस तरह से देखा जाएगा तो यहाँ पे H+ आयन सबसे ज्यादा मैक्सिमम था, तो यहाँ पे जो एसिड होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और देखा जाए यहाँ पे OH- सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे जो बेस होगा वो वेरी 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 स्ट्रॉन्ग बेस होगा। इतनी बात सबको क्लियर है। अब स्ट्रॉन्ग बेस सबसे ज्यादा कौन है वो भी सब जानते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द वेरी 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 स्ट्रॉन्ग बेस। इतनी बात भी सबको क्लियर है। अब आगे की बात सुनिएगा, ये पीएच की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जो बहुत ज्यादा काम आती है और जिनको हमें अच्छे से पता भी होना चाहिए। वैसे तो ये आपके हाई स्कूल में डायरेक्ट बोर्ड्स पे पूछी जा सकती है, और इसके अलावा ये आगे भी आपके लाइफ में काम आएगी कॉम्पिटिशन पेपर में। ध्यान समझना, अगर आप पीएच की वैल्यू 1.2 लेते हैं ना, तो 1.2 पीएच की वैल्यू अगर आप लेते हैं तो वो होगी गैस्ट्रिक जूस की वैल्यू। मतलब आपके पेट में जो गैस्ट्रिक जूस होता है, जो पाचन क्रिया करता है, उसके लिए पीएच की वैल्यू 1.2 होती है। अगर आप पीएच की वैल्यू 2.2 लेंगे तो वो लेमन जूस की वैल्यू होती है। अगर आप पीएच की वैल्यू 5.2 लेंगे तो वो एसिडिक रेन वाटर की होगी। ये क्वेश्चन तो आ भी चुका है, पीएच की वैल्यू अगर आप 5.2 लेते हैं तो एसिडिक रेन वाटर की वैल्यू होती है। अगर आप पीएच की वैल्यू 7 ले लेते हैं तो ये प्योर वाटर की होगी। एक खास बात और बच्चों, जिस वाटर में आप एसिड या बेस या सॉल्ट को चेक कर रहे हैं उस वाटर का टेम्परेचर 25 डिग्री रखा जाता है जब पीएच स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगर तो पीएच स्केल अगर 7.4 वैल्यू दिखा रही है तो वो ह्यूमन ब्लड की वैल्यू होती है, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है जो कि एक वीक बेस है, जो कि क्या है एक वीक बेस है, लिखा होगा एनसीईआरटी में माइल्ड बेस। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या होता है इसका, MgOH का होल ट्वाइस, तो एक वीक बेस होता है। इसके लिए पीएच की वैल्यू 10 होती है। इसके बाद आप 14 पे जाओगे तो मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बेस मिलेगा आपको, वो होगा स्ट्रॉन्ग बेस जो होगा वो होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक बात और सर, हमारा ह्यूमन ब्लड जो है उसकी पीएच वैल्यू 7.4 है। अब ये बताइए कि हमारी बॉडी कितने पीएच तक वर्क कर सकती है। तो बच्चा अगर हमारा पीएच रेंज जो है वो अगर 7 to 7.8 रहता है तो उस पर हमारी बॉडी वर्क कर पाती है। पीएच रेंज एट विच बॉडी वर्क 7 to 7.8, इतनी बात क्लियर है। अब इससे जुड़ा हुआ पहला सवाल ये आता है कि सर, एक सवाल पूछ लिया जाता है कि टूथ डिके जो होता है, टूथ डिके वो किस कारणवश होता है। बच्चों के दांत सड़ जाते हैं, बड़ों के दांत भी सड़ जाते हैं, तो वो किस कारणवश सड़ जाते हैं। अब समझना, ये इस वजह से होता है क्योंकि हमने जो खाना खाया वो अगर हमारे दांतों में लगा रह गया तो हमारे माउथ के जो बैक्टीरिया है वो उस खाने को डिग्रेड करते हैं, तोड़ते हैं, है ना, काटते हैं, और जो माउथ में हमारे शुगर है उसको भी काटते और तोड़ते हैं। वो जो शुगर टूटती है और वो जो हमारा फूड पार्टिकल टूटता है वो रिएक्शन करके एक प्रकार का एसिड बनाता है। वो एसिड क्या करता है, वो हमारे माउथ में जो टूथ है उनकी पीएच की वैल्यू 5.5 से कम ले आता है, और जब पीएच की वैल्यू हमारी 5.5 से कम होती है
तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता है जो हमारे दांत को सड़ा देता है, जो हमारे दांत को काट देता है। इतनी बात क्लियर? तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट था, पीएच ऑफ 2-3 के। एक बात और, पीएच निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, माइनस लॉग एच प्लस, ठीक है, ये भी होता है। बट ये है कि आपको ये सिलेबस में नहीं है लेकिन जानना जरूरी था इसलिए आपको बता दिया। ठीक, एक बात और, हनी बी जो होती है वो जब हमको स्टिंग कर लेती है, मतलब हमारे कांटा चुबा देती है, तो उससे हमको इरिटेशन होती है, दर्द होती है। वो किस वजह से होती है? क्योंकि वहां पर भी एक प्रकार का वो एसिड छोड़ती है। उस एसिड को अगर पूछा जाए कि हनी बी से स्टिंग हुआ, उस एसिड को कैसे न्यूट्रलाइज करें, तो उसके लिए बच्चों बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है। बेकिंग सोडा लगा लीजिए। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। अब ये बेकिंग सोडा एसिड होगा कि बेस, ये बताइए। तो पिछली वीडियो में मैंने क्या बताया था, मेटल के सारे कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। तो बेसिक सी बात है कि बेकिंग सोडा भी बेसिक इन नेचर है। इतनी बात आपको सबको क्लियर है ना? बताओ मेरे को जल्दी से। तो ये फटाफट आप नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, टॉपिक वन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं एसिड एंड बेस पे, और उससे रिलेटेड मैंने 20 एमसीक्यू लगाए, और ना केवल लगाए बल्कि आपको लगाना सिखाए। अब हम टॉपिक टू कंप्लीट कर रहे हैं जो कि है हमारा इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर में हमने हर प्रकार का इंडिकेटर कवर कर लिया। अब हम लोग टॉपिक टू के एमसीक्यूज लगाने जा रहे हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा और सीखते रहिएगा, ठीक है? अब समझिए, पहला सवाल है, अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। अच्छा, इंडिकेटर के जो एमसीक्यू होते हैं वो आते तो बहुत ज्यादा एमसीक्यू है, मतलब एसिड बेस्ड 7 चैप्टर्स सबसे ज्यादा एमसीक्यू इंडिकेटर्स आते हैं। बट ये भी बात सही है कि इसके एमसीक्यू बहुत सरल होते हैं। तो अ सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, अब ब्लू में लिटमस हो रहा है ना, तो इसका मतलब है कि वो बेस होगा, ठीक है? अगर सॉल्यूशन जो है वो रेड लिटमस को ब्लू कर रहा है, इसका मतलब सॉल्यूशन बेस होगा, और बेस की वैल्यू 7 से ज्यादा होती है पीएच में। तो 7 से ज्यादा कौन है? ये अपना आंसर है। pH value of pure water at 25 degree Celsius is, pure water की pH value क्या होगी? मैंने आपको बताया था कि जो pH scale होती है, वो जिस water पे अपना acid, base या salt check करवाती है, वो water का temperature 25 degree Celsius होना चाहिए। तो 25 degree Celsius पे pure water, उसकी pH value क्या है? अगर pure water यानी ना उसमें acid पड़ाना, base पड़ाना, salt पड़ा, तो neutral है ना, उसकी pH value 7 होगी। The color of phenolphthalein indicator in alkaline solution, alkaline याद है ना सबको, alkaline माने होता है base। अब फिनोलेफ्थलीन इंडिकेटर जो है वो बेस पे क्या फर्क दिखाएगा? मैंने क्या सिखाया था? फिनोलेफ्थलीन इंडिकेटर जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? HPH। यहाँ पे H देख के आपको पता चल गया होगा कि ये एसिड है, और जो चीज एसिड है उस पे एसिड डालने से तो कोई चेंज नहीं होगा। फिनोलेफ्थलीन का ओरिजिनल कलर क्या होता है? कुछ नहीं, फिनोलेफ्थलीन इज ओरिजिनली कलरलेस। और इस पे जब एसिड डालते हैं तो चूंकि फिनोलेफ्थलीन खुद एसिड है, इसमें एसिड डालोगे तो कलरलेस का कलरलेस ही रहेगा, लेकिन अगर बेस डालोगे तो कलर हो जाएगा पिंक। तो कलर ऑफ फिनोलेफ्थलीन इन बेस, दैट इज व्हाट? पिंक। The possible pH value of acidic rainwater, कल मैंने आपको pH scale सिखाई थी, एक short video भी pH scale पे डाली है, उसमें सारी values बताई हैं जितनी भी boards exam के लिए expected है। The possible pH value of acidic rainwater is what? 5.2। pH of an acidic solution है, अरे solution acidic है तो pH की value 7 से कम होगी, less than 7। ये तो basic सवाल है, हर बच्चा बता लेगा। pH value of aqueous solution of H2SO4, ये सवाल पांचवा और छठा तो सेम हो गया भाई, acidic solution बोल लो या H2SO4 का solution बोल लो, बात तो एक ही है ना, pH value less than 7। अगला बोलता है द पीएच वैल्यू ऑफ H2S सॉल्यूशन। H2S तो बेटा गैस होती है, ठीक है? अब गैस के लिए पीएच वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एन एसिड बेस इंडिकेटर बाय अ विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट। अगर कोई स्टूडेंट विजुअली इंपेयर्ड है, वो देख नहीं पाता है, तो उसके लिए कौन सा इंडिकेटर लाभदायक होगा? नेचुरल इंडिकेटर या फिर सिंथेटिक इंडिकेटर या फिर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, कौन सा? तो भैया उसके लिए जो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर लाभदायक होता है, क्योंकि वो देख नहीं सकता तो वो कलर नहीं देख पाएगा लिटमस का, ना वो कलर देख पाएगा फिनोलेफ्थलीन का, ना वो कलर देख पाएगा पेटूनिया लीव्स का, वो केवल सूंघ पाएगा वेनिला एसेंस को। वेनिला वाला केस याद है ना आपको, वेनिला क्या है? खुद में एक एसिड है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर मैंने 3 पढ़ाए थे, वेनिला, क्लोव ऑयल, और उसके अलावा वो कौन सा था बताइएगा कमेंट करके, वेनिला था, क्लोव ऑयल था, और एक और था कोई, ठीक है? तो ये हमने बताया था जितने भी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होते हैं वो सबके सब खुशबू से बताते हैं, और सबके सब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर एसिडिक इन नेचर है, तो अगर आप उस पर एसिड डालोगे तो स्मेल उनकी बनी रहेगी, क्योंकि वो खुद एसिड है, एसिड डालने से कोई फर्क नहीं आने वाला। अगर आप उनके ऊपर बेस डालोगे तो उनकी स्मेल चली जाएगी, क्योंकि उनका जो एसिड है वो मर जाएगा, उनकी स्मेल चली जाएगी। तो वनीला एसेंस जो है वो एक एसिड बेस इंडिकेटर है, ऑल्फैक्टरी वाला इंडिकेटर है, और इसमें देखने की कोई जरूरत नहीं है, आप ऑर्डर से बता सकते हैं, स्मेल से बता सकते हैं। पेटूनिया लीव से कुछ याद है, मैंने आपको बताया था 3 फर्जी आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं, 3 नेचुरल इंडिकेटर अलग से, पेटूनिया लीव्स, हाइड्रेंजिया और गेरेनियम। तो उनमें से पेटूनिया लीव्स होती है, ये एक्चुअली में कलरफुल फ्लावर्स होते हैं, उनकी लीव्स होती हैं,
और ये कलर चेंज करती है एसिड और बेस पे। इन विच पीएच रेंज डज अवर बॉडी वर्क टू सर्वाइव। मैंने बताया था कि हमारा जो ब्लड होता है ह्यूमन ब्लड उसकी पीएच वैल्यू होती है 7.4, लेकिन हम कहां से कहां तक का पीएच वैल्यू पे हमारी बॉडी सर्वाइव करती रहेगी। बताया था कि अगर हमारी पीएच वैल्यू 7 से 7.8 है तो हमारी बॉडी सर्वाइव करती रहेगी, वरना हमारी बॉडी डिस्टर्ब होने लगेगी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो आओ हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की शुरुआत करते हैं। ये वाला जो पेज मैंने बनाया है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना तुम। देखो पहला क्वेश्चन ही इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। अब अगर आप एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट लेते हो तो आपका लिटमस पेपर क्या इफेक्ट दिखाएगा, तो इस टाइप के बहुत सवाल बनते हैं। अब ध्यान से समझना, अमोनियम नाइट्रेट ऐसे सवालों को कैसे डील करें। तो अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है, सबसे पहले NH4NO3, अमोनियम यानी NH4NO3 यानी नाइट्रेट। अब अगर आप इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे यानी H2O में, तो H2O को हम ऐसे लिख सकते हैं HOH, है ना, लिख सकते हैं ना, जैसे कि यहां पे लिख दिया मैंने OH और यहां लिख दिया H2O। अब समझना ये HNO3 बनाता है और क्या बनाता है साथ में NH4OH बनाता है। अब ये बताओ मेरे को कि HNO3 क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और NH4OH क्या है, वीक बेस। अब देखो तुमको याद होगा, जिसने भी वीडियो पढ़ी होगी उसको पता होगा कि मैंने एक ट्रिक सिखाई है स्ट्रॉन्ग एसिड याद करने की, कि जितने भी एसिड में कार्बन नहीं है वो सबके सब स्ट्रॉन्ग एसिड है सिवाय H2CO3 को छोड़ करके। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक बेस है। अब ये बताओ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिड, तो एक्वस सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा। अब जब एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक है तो फिर आपका लिटमस पेपर रेड हो जाएगा और आपका आंसर ये वाला हो जाएगा, बी वाला। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा एक बात और, इस टाइप का जो सॉल्ट वाला सवाल था ना कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट कैसा होगा, बहुत टाइप के आते हैं। चलो मैं एक और पूछ लेता हूँ, Na2CO3 है, इसको हमने वाटर में डाला, अब बताओ कि लिटमस पेपर रेड से ब्लू होगा कि ब्लू से रेड होगा। तो आप कहोगे सर Na2CO3 है ना, अब ये वाटर के साथ जब कॉन्टेक्ट करेगा तो ये बनाता क्या है सर, ये बनाता है H2CO3 बनाता है, और साथ में बनाता है सर 2NaOH, मतलब बैलेंस अपने आप करना, बैलेंस नहीं कर रहा है यहाँ पे, H2CO3 बनाता है सर और बनाता है 2NaOH। अब ये क्या है सर H2CO3, इट इज अ वीक एसिड, और NaOH क्या है सर, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन है, बेस है ना, तो जो आपका लिटमस पेपर होगा वो ब्लू हो जाएगा क्योंकि सॉल्यूशन आपका बेसिक होगा। ऐसे किया करो इस टाइप के सवालों को। अब नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड। एसिड को पानी में डाला तो एसिड का एक्वस सॉल्यूशन बना, ठीक है, और साथ में बेस को भी पानी में डाला। अच्छा एसिड और बेस दोनों को पानी में डाला। अच्छा एक बात और बता दे, एसिड और बेस जो होता है ना बेटा, एसिड और बेस की रिएक्शन जो होती है उससे सॉल्ट और वाटर बनता है, इतना तो आपको पहले से पता होगा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है ये, ठीक है, लेकिन ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है कि एंडोथर्मिक। तो ये रिएक्शन पूरी तरह से एक्सोथर्मिक है, ये बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका क्वेश्चन एक बार आया था कि एसिड और बेस की रिएक्शन हुई तो चार बातें लिखी थी कि क्या हुआ, तो उसमें लिखा था टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज, सॉल्ट फॉर्मेशन एंड टेम्परेचर इंक्रीज, सॉल्ट फॉर्मेशन एंड टेम्परेचर डिक्रीज। तो आपको लिखना है सॉल्ट फॉर्मेशन एंड टेम्परेचर इंक्रीज, क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है। अब आगे की बात कर लेते हैं, हाँ, तो एसिड और बेस का आपने एक्वस सॉल्यूशन बनाया तो बताओ इनमें से कौन सी कंडीशन फॉलो होगी, हायर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड। अच्छा तुमको एक बात याद होगी, मैंने सिखाया था वीडियो के अंदर कि जितना ज्यादा पीएच उतना वीक एसिड, सही बात है, जितना ज्यादा पीएच उतना वीक एसिड, ऐसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, हायर द पीएच वीकर द एसिड, तो हायर द पीएच वीकर द एसिड तो बी वाला ऑप्शन हो गया। और इसमें बोल रहा है बी वाला तो दो जगहों में है, यहां पे भी है यहां पे भी, बी के साथ सी होगा कि डी होगा, सी और डी दोनों को देख लेते हैं। सी बोलता है लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस, भैया अगर पीएच लोअर करोगे, अगर लोअर द पीएच होगा तो स्ट्रॉन्गर द एसिड होगा ना कि बेस होगा, ये वाला हटा दो, डी वाला सही है, बी एंड डी सही है, ये वाला काट दो, ठीक। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, बोला गया हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल डज हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट कंटेन। हाइड्रेटेड शब्द कब लगता है समझना, जैसे कि यहां पे लिखा है सॉल्ट ऑफ वॉशिंग सोडा, तो सॉल्ट ऑफ वॉशिंग सोडा है Na2CO3.10H2O। अब Na2CO3 तो केवल वॉशिंग सोडा है, Na2CO3 के साथ .10H2O लग जाता है ना, तो ये बन जाता है क्या सॉल्ट ऑफ, मतलब हाइड्रेटेड सॉल्ट ऑफ वॉशिंग सोडा। ये जो चीज लगती है डॉट करके, जितना भी H2O लगता है इस डॉट करके जो H2O लिखते हैं इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये हर एक सॉल्ट में अलग अलग होता है, जैसे कि वॉशिंग सोडा के सॉल्ट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना यूनिट है, 10 यूनिट है। फेरस सल्फेट के सॉल्ट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, 7 यूनिट है। कॉपर सल्फेट के सॉल्ट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, 5 यूनिट है। तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जब किसी सॉल्ट में लग जाता है तो वो सॉल्ट हाइड्रेटेड सॉल्ट कहलाता है। तो हाइड्रेटेड सॉल्ट अगर सोडियम कार्बोनेट का लेंगे तो 10H2 होगा, हाइड्रेटेड सॉल्ट अगर FeSO4 का लेंगे यानी फेरस सल्फेट का लेंगे तो 7H2 होगा,
हाइड्रेटेड सॉल्ट अगर कॉपर सल्फेट का लेंगे तो 5H2 होगा, और हाइड्रेटेड सॉल्ट अगर कैल्शियम सल्फेट का लेते हैं तो 2H2O होता है। CaSO4 के साथ हमेशा 2H2O लगता है, CaSO4.2H2O। अब ये CaSO4.2H2O होता क्या है बेटा? ये जिप्सम का फॉर्मूला है एक्चुअली में, CaSO4.2H2O। अभी इस बॉक्स पे आऊंगा, फिलहाल यहाँ पे फॉर्मूला लिख दो CaSO4.2H2O। एक बात और, कभी कभी कॉपर सल्फेट वाले क्रिस्टल में एक सवाल पूछा जाता है कि CuSO4.5H2O इस पूरे का कलर क्या होता है, तो बेटा इस पूरे का कलर होता है ब्लू। बट अकेला कॉपर सल्फेट अगर देखोगे, अकेला कॉपर सल्फेट, केवल कॉपर सल्फेट का कलर देखोगे तो वो व्हाइट होता है, लेकिन अगर .5H2O के साथ देखोगे तो वो ब्लू होता है। एनसीईआरटी का ही सवाल है, सारे एनसीईआरटी का ही कॉन्टेंट है, प्योर कंप्लीट एनसीईआरटी। अब आगे समझना, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात कर लेते हैं, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? तो बच्चों ये होता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, यानी इसमें जो वाटर क्रिस्टलाइजेशन होता है उसकी हाफ यूनिट लगी होती है, इसलिए इसको कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट बुलाते हैं। तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट है। अब इसको लिखने का तरीका ये भी होता है कि अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2CaSO4 हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1/2 हट जाएगा, 2CaSO4.H2O हो जाएगा। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूरा फार्मूला है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे? ये जिप्सम से बनता है। सर जिप्सम से कैसे बनता है? जिप्सम को जब 373 केल्विन पे गर्म किया जाता है तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी CaSO4.5H2O बन जाता है। याद कर लो ना बेटा, इस टेम्परेचर को याद कर लेना, वैसे मैं नहीं कहता टेम्परेचर याद करने के लिए, लेकिन इस रिएक्शन में टेम्परेचर याद कर लेना, 373 केल्विन होता है, 373 केल्विन होता है, 373 केल्विन होता है जिप्सम, 373 केल्विन प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम 373 केल्विन प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम 373 केल्विन प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये याद कर लेना, कभी कभी ऑप्शन में पूछ लेता है कितना टेम्परेचर है और टेम्परेचर देता है डिग्री सेल्सियस में तो डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, क्योंकि डिग्री में निकालने के लिए क्या करते हैं, 273 माइनस कर देते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस आ जाता है। इस तरह से ही बनता है, बात समझ में। एक बात और याद आती है, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल जो होता है उसको हम लोग ब्लू विट्रोइल भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? ब्लू विट्रोइल भी बुलाते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को ब्लू विट्रोइल भी बुलाते हैं। आगे पहुंच जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी दिया है, टी दिया है, ए दिया है, सी दिया है, ई दिया है, ये अलग 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 सब्सटेंस है, इनकी पीएच वैल्यू दी है। बी की पीएच वैल्यू 3.8 है, डी की पीएच वैल्यू 0 है, ए की पीएच वैल्यू 2.7 है, सी की पीएच वैल्यू 1.2 है, और E की pH value 6.2 है। अब बताओ मेरे को कि इसका आंसर क्या होगा? इन्होंने बोला है कि decreasing order of H+ लिखना है। अभी मैंने बताया था H+ अगर सबसे ज्यादा चाहिए तो pH सबसे कम होना चाहिए। pH सबसे कम किसका है? pH सबसे कम है D का। फिर pH उससे ज्यादा किसका है? यानी pH सबसे कम किसका है? D का। तो उससे ज्यादा pH किसका है? उससे ज्यादा pH है C का। उससे ज्यादा pH किसका है? तो उससे ज्यादा pH है B का। उससे ज्यादा DC और नहीं DC के बाद A है, और फिर A से ज्यादा पीएच किसका है? A से ज्यादा पीएच B का है, और B से ज्यादा पीएच किसका है? E का है। तो सबसे कम पीएच किसका था? D का था। सबसे कम पीएच इसका होता है सबसे ज्यादा एसिडिक हो गई है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन लिखना था, तो सबसे कम पीएच इसका मतलब सबसे ज्यादा H+ आयन का कंसंट्रेशन होगा, फिर उससे कम C का कंसंट्रेशन होगा, फिर उससे कम A का, फिर उससे कम B का, फिर उससे कम E का। इस तरह से D C A B E करके हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर बन गया H+ आयन का। E जो है उसका pH वैल्यू सबसे ज्यादा है, इसलिए उसका H+ आयन का कंसंट्रेशन सबसे कम है। अब आगे बढ़ जाते हैं, एक क्वेश्चन है बच्चा यहाँ पे अच्छा इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, बस इसमें H+ आयन की जगह OH- आयन कर दिया गया। देखो बोला गया कि B C A E और D, अब इनकी pH वैल्यू दी गई है, B की pH वैल्यू 8.5, C की pH वैल्यू है 9.6, A की pH वैल्यू है 14, E की pH वैल्यू है 13, D की pH वैल्यू 7.8 है। बोल रहे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ OH- आयन लिखो, तुम एक काम करो, तुम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H+ आयन ही लिखो, पहले तो तुम इतना करो। अगर तुम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H+ आयन लिखते हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H+ आयन अगर तुम ऐसा करते हो तो क्या होगा? सर डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहे हैं ना, सबसे पहले सबसे ज्यादा H+ यानी सबसे कम पीएच, अब सबसे कम पीएच किसका भी है? सबसे कम पीएच तो यहां पर है किसका? डी का है, तो डी का सबसे कम पीएच, उससे ज्यादा पीएच बी का है, उससे ज्यादा पीएच सी का है, उससे ज्यादा पीएच ई का है, उससे ज्यादा पीएच ए का है। तो सबसे कम पीएच डी का, तो सबसे ज्यादा H+ है ये, उससे कम H+ ये, उससे कम H+ ये, उससे कम H+ ये। अब ये हो गया H+ आयन का डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब अगर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ OH- आयन लिखना है तो उसको पलट दो, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ OH- आयन कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा A E C B D, ठीक है। तो अगर कभी भी डिक्रीजिंग ऑर्डर OH- का पूछे तो वो इस तरह से करना, पहले H+ का निकाल लेना साइड में, फिर उसके बाद उसको पलट के लिख देना, इस तरह से कर लेना। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ये भी एनसीईआरटी का एक बॉक्स करके नहीं दिया जाता एनसीईआरटी में, ऑरेंज ऑरेंज उसमें ऐसा सवाल था, मैंने सोचा डाल देता हूँ जब एनसीईआरटी मतलब कोई छूटा ना रह जाए। द एटमॉस्फियर ऑफ वीनस इज मेड अप ऑफ थिक व्हाइट एंड येलोइश क्लाउड। जो आपको पता है वीनस पे लाइफ क्यों नहीं एग्जिस्ट करती है?
क्योंकि वीनस में लाइफ इसलिए नहीं एग्जिस्ट करती क्योंकि वहां पे वीनस को चारों ओर से थिक क्लाउड ने घेर रखा है, और वो जो क्लाउड है व्हाइट और येलोइश कलर के, वो क्लाउड किस एसिड के होते हैं पता है आपको? वो क्लाउड होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के, वो सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड है। अब ऐसे में आदमी कैसे जीवित रह सकता है, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है। बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड वॉट, तो बेकिंग पाउडर जो बनाया जाता है वो कैसे बनाया जाता है, उसमें बेकिंग सोडा पड़ता है और इसके साथ में कौन सा एसिड पड़ता है? फॉर्मिक एसिड तो नहीं पड़ सकता, फॉर्मिक एसिड रेडांट में होता है, नेटल लीव्स में होता है। लैक्टिक एसिड दूध में होता है, वो भी नहीं पड़ेगा। ऑक्सैलिक एसिड टमाटर में होता है, टमाटर कौन डालेगा बेकिंग सोडा में? तो बेकिंग सोडा में पड़ता क्या है? टार्टरिक एसिड पड़ता है। तो बेकिंग पाउडर क्या है? वो बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड का एक मिक्सचर है, एक कंबाइन मिक्सचर है। एक बात और, अगर पूछा जाए कभी भी किस बेस को हम लोग एंटासिड की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो बेकिंग सोडा को हम लोग एंटासिड की तरह इस्तेमाल करते हैं। एंटासिड जो होता है वो क्यों इस्तेमाल किया जाता है? तो कभी भी अगर हमें इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है तो हम लोग एंटासिड इस्तेमाल करते हैं। हमारे पेट में HCl है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जिसका काम होता है खाने को पचाना। लेकिन कभी कभी डाइजेशन या पाचन क्रिया के चलते हमारा खाना जब सही तरीके से नहीं पच पाता है तो एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण हमें पेन और इरिटेशन होता है, ठीक है। और उस एसिड की मात्रा को थम करने के लिए, मतलब रोकने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको बेस लेना पड़ता है। और बेस में हम लोग क्या लेते हैं? बेकिंग सोडा, जो कि हम लोग दुकानदार मेडिकल स्टोर से क्या कहते हैं कि हमको एक एंटासिड दे दो, वो एंटासिड हमारे पेट में जाता है और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ HCl को न्यूट्रलाइज करता है। अब बेकिंग सोडा का फॉर्मूला सब लोग जानते हैं ना, NaHCO3। अगर कोई पूछे इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है तो बता देना कि नहीं, बेकिंग सोडा में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज था। आपको अगर ये चैनल पसंद आया ना तो आप लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दो, ठीक है, और शेयर भी कर दो अपने दोस्तों को। बेल आइकन जरूर दबा देना क्योंकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन हमको सबसे पहले मिलनी है। तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबाओ अगर नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों टॉपिक वन और टॉपिक टू दो टॉपिक लगे, जिसमें टॉपिक वन में मैंने काफी सारी हेडिंग्स कवर करी और टॉपिक टू में मैंने पूरा इंडिकेटर और साथ में आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस और अदर जितना भी सॉल्ट है वो सब कुछ कवर किया, साथ में आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी समझाई। ये पूरा का पूरा देखा जाए तो मैंने MCQ कंटेंट लेकर के मैं आपके सामने आया था, और अगर आप इसको प्रिपेयर कर लेते हो तो मेरी मानना आपको बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी किताब वगैरह रीड करने की। लेकिन आप एक बार इसको कसके पढ़ो, दो बार तीन बार पढ़ो जरूर, और उसके बाद क्वेश्चंस अटेंड